हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी प्रिपरेशन चल रही है तुम लोगों की? बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं कि स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी आ रहा है, बीच में बोर्ड्स का भी ये पैच आ गया। तो बेटा, मॉर्निंग वॉक करने आई थी और याद आ गई तुम लोगों की, सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, बात कर लेते हैं बच्चों से। बात करने से दिल हल्का हो जाता है ना। तो बेसिकली टेंशन मत लो, ये सोचो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सबके साथ है, ठीक है? अब ये जो एक कॉन्स्टेंट सिचुएशन है जिसमें सबके साथ यही स्थिति है, इसमें उभर के कौन आएगा, सक्सेसफुल कौन होगा, विनर कौन होगा, जो इस सिचुएशन को तरीके से हैंडल कर लेगा, पेशेंस के साथ हैंडल कर लेगा और बिल्कुल भी एंग्जाइटी पैनिक ये नहीं करेगा। तो तीन चार इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। अब केमिस्ट्री का 27th को एग्जाम है, तो कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि मैम अगर आप कोई एक एक टॉपिक बता दो हर चैप्टर का कि ये इसमें से क्वेश्चन आने का चांस है, तो यार मन हो गया तुमको ये बताने का, तुम इसको जरूर पढ़ लेना। डायल्यूट सॉल्यूशंस, जो तुम्हारा सॉल्यूशंस चैप्टर है, इसके अंदर तुम आइडियल एंड नॉन आइडियल जरूर कर लेना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, नॉन स्टिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आने का चांस है। अगर बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो जो तुम्हारा हाफ लाइफ है और उसके अलावा आपका फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट है और ग्राफ का क्वेश्चन। फिर बात करते हैं हेलोलेगेन हेलोरिन की, SN1 SN2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, अल्कोहल फिनाइल ईथर में विलियमसन सिंथेसिस करके जाना, रिमर थिमल और कोलबे रिएक्शन करके जाना, और ईथर का जो क्लीवेज होता है HI बॉन्ड से वो करके जाना, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कैनिजरो रिएक्शन एंड हेलवोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जैसे क्वेश्चन आ सकता है। अमीन्स चैप्टर में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस फेज पे सवाल आ सकता है। फिर बचता है इनऑर्गेनिक, DF ब्लॉक में आपका क्वेश्चन आ सकता है, KMnO4 K2Cr2O7 के जो रिएक्शन है उनको थोड़ा सा देख लेना और रीजनिंग पोर्शन देख लेना। और बचा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो तुम्हारा चैप्टर है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि NCERT में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पेज है उसको कर लेना और निकल के कॉम्प्लेक्सेस को अच्छे से देख लेना। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट, एक 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच चैप्टर। अब मसला आता है मैम लिखना कैसे है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ तुम लोग को रफ वर्क का बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है लेकिन फेयर वर्क करना नहीं आता है। बेटा नीटली लिखना, खूबसूरत नहीं, नीटली लिखना, ठीक है? और जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना एग्जाम में, मतलब जिस सीक्वेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं वो लिखना, सेक्शन प्रॉपरली लिखना, आंसर का जो कनेक्टिविटी होता है फ्रॉम द क्वेश्चन उसको प्रॉपरली लिखना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो तुम लोगों ने प्रिपेयर किया, जिस लेवल में तुम लोगों ने प्रिपरेशन करी है, उसका तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिले, चाहे वो परीक्षा कोई भी हो। बोर्ड्स हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, जेई मेन्स हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, और एडवांस हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और MB मैम हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुमको किसी भी तरीके की किसी वीडियो की जरूरत है, तुम्हें लग रहा है कि मैम ये इस बारे में भी बता दो, तो मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगी तुम लोगों के लिए। बस इस वीडियो के कमेंट में डाल देना कि मैम इस बार एक इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दो, ठीक है? चलो, लव यू ऑल। बाय द वे, मुझे याद आया बायो मॉलिक्यूल्स में तो मैंने बताया ही नहीं तुम लोगों को, तो यार बायो मॉलिक्यूल्स में ना तुम लोग अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड का डिफरेंस कर लेना, ठीक है? प्रोटीन्स जो है वो कर लेना और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कर लेना, फाइब्रियस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है? चलो बाय बाय।